हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सचिन एंड आई होप यू ऑल फाइन। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आज आप लोगों का WBJEE 2023 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पेपर एनालिसिस के बारे में। मैं आप लोगों का पेपर एनालिसिस करूंगा WBJEE 2023 का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को मिनिमम कितना मार्क्स लगेगा एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। आप सभी ने अपना मार्क्स को कैलकुलेट कर लिया होगा और आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिया होगा और आपको पता होगा कि एक्सपेक्टेड इतना मार्क्स आप लोगों का आ रहा होगा। होप आप सभी ने कैलकुलेट किया होगा। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो या कालियानी यूनिवर्सिटी हो, उसमें एंट्री करने के लिए आप लोग कितना टोटल मार्क्स लगेगा। तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो आप सबको ही कन्फ्यूज रहता हो कि मैं ये कॉलेज सेलेक्ट करूँ या ये कॉलेज सेलेक्ट करूँ, और कुछ ही दिन के बाद आप लोग काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका रैंक बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो काउंसलिंग में ये एक मिस्टेक कर देते हैं कि वो गलत कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। बिकॉज आप लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन कॉलेज कैसा है और कौन कॉलेज कैसा है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ, आप लोगों के लिए एक सपोर्ट लेके आया हूँ, जिससे आप लोगों को हेल्प किया जाएगा। और उसमें आप लोग कॉलेज डिटेल्स, कॉलेज रिव्यू आप लोगों को किया जाएगा, और उसमें आप लोग अपना डाउट भी पूछ सकते हो। जी हाँ, आप लोगों को फोन कॉल में कॉलेज रिव्यू मिलेगा। उसके लिए बस आप लोगों को नीचे गूगल फॉर्म दिया गया, उसको आप लोगों को फिलअप करना है, और वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आप लोगों को एक रुपया भी नहीं लग रहा होगा। तो ये काउंसलिंग से पहले आप लोगों को 100% इसमें हेल्प मिलेगा। और इसमें बस आप लोगों को अपना नाम और आप लोग का कॉन्टैक्ट नंबर को फिलअप करना, और जिस कॉलेज का भी आप लोग को रिव्यू करना उस कॉलेज का रिव्यू आप लोग का उसका नाम डाल देना। उसके बाद आप लोग को वहाँ से कॉल किया जाएगा और आपको कॉलेज के बारे में पूरा फुल डिटेल में बताया जाएगा, और जो भी आप लोग के कॉलेज के रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो भी आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। तो जिससे आप लोग कॉलेज का 100% जो है इंक्वायरी मिल जाएगा। WBJEE 2023 आप लोग का मैथ का जो पेपर था इस बार मॉडरेट था और लेंदी था, और यहाँ पे मोस्ट बहुत सारे जो क्वेश्चन थे ये कैलकुलस से, एल्जेब्रिक से, यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक से, यहाँ से पूछे गए थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो फिजिक्स का पेपर आप लोग का यहाँ पर मॉडरेट था और केमिस्ट्री का पेपर ईजी इसमें बताया गया है। और सबसे ज़्यादा फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और केमिस्ट्री में एस ब्लॉक एलिमेंट से, पी ब्लॉक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ये पूछे गए। तो ये आप लोग का था पेपर एनालिसिस। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग को मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो देखो, आप लोग को मैथ में 45 आप लोग को स्कोर करने होंगे, 45 अगर आपके प्लस आ रहे हैं, और फिजिक्स में आप लोग को 20 लेके चलो और केमिस्ट्री में 20, यानी ओवरऑल टोटल 85 प्लस मार्क्स। अगर ओवरऑल आप लोग 85 प्लस मार्क्स अगर आप लोग स्कोर कर रहे हो, तो 100% श्योर हो जाओ कि आप लोग को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से सब कोई प्रिपरेशन करो।